सो गाइस यार, तो कुछ इस तरह थंबनेल सिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले हम मीडिया पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से अपना जो भी बैकग्राउंड है ना अपना स्काई वाला, उसको ऐड कर लेंगे। तो ये वाला है, इसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो डाउनलोड कर लेना। तो इसके पैन एंड जूम पर जाएंगे पहले हम, और इसको यहाँ से कुछ इस तरह से इसको जूम कर लेंगे, और अपना जो मून है ना उसको लेफ्ट साइड में ऊपर रख लेंगे और राइट पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से लेयर पर जाएंगे, फिर मीडिया पर, और अपना स्क्रीन शॉट उसको ऐड कर लेंगे। यहाँ से अपना स्क्रीन शॉट ये रहा, इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसको इस तरह से फुल स्क्रीन पर कर देंगे। फिर यहाँ से हम इसके जाएंगे क्रोमा की पर, तो यहाँ से क्रोमा की करके एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। फिर इसको इनेबल कर देंगे, और फिर यहाँ से इसके कलर पर जाएंगे, और इसका कलर यहाँ से हम कुछ लाइट ब्लू कलर रख लेंगे, कुछ इतना जो भी अपना स्काई कलर है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर यहाँ से राइट पर क्लिक कर देंगे। देन तक करने के बाद यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, यहाँ से इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। और इतना करने के बाद यहाँ से इसको एडजस्ट कर लिया, फिर यहाँ से इसको राइट पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ से हमको क्या करना है, अपने लेयर पर क्लिक करना है, और फिर यहाँ से हम मीडिया पर जाएंगे, और मीडिया पर जाने के बाद यहाँ से हमारा जो भी कोई इमोजी वगैरह हम यूज़ करेंगे उसको ऐड कर लेंगे। यहाँ से मैं अपना एक इमोजी ऐड कर लेता हूँ, ये रहा। तो इसको ऐड करने के बाद क्या करना है, पहले तो इसको सेट कर लेना अपने अकॉर्डिंग जहाँ रखना है, फिर यहाँ से इसके थ्री डॉट पर क्लिक करना है, इसको सेंड बैकवर्ड पर क्लिक कर देना है। इस इतना करने के बाद इसको कुछ अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है, तो इसको यहाँ से कुछ इस तरह से हम सेट कर लेंगे। देन इसके यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे, तो इसको पहले सेट कर लेते हैं, फिर यहाँ से लेफ्ट साइड में थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर लेंगे, और डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ से इसको इधर लाने के बाद इसके थ्री डॉट पर फिर से क्लिक करेंगे, और इसको यहाँ से सेंड बैकवर्ड पर क्लिक कर देंगे, और फिर यहाँ से इसको भी सेट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से। तो यहाँ से जिस तरह से आप रखना चाहो उस तरह से इसको सेट कर लेना। देन इतना करने के बाद यहाँ से कुछ इतना तो हो चुका है, फिर यहाँ से हमारे जो लेयर पर फिर से क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से अपना स्क्रीनशॉट को फिर से ऐड कर लेंगे, फिर यहाँ से क्रॉप पर जाएंगे, और फिर यहाँ से इसको कट कर लेंगे अपने जो कैरेक्टर है ना उसको। तो यहाँ से अपने कैरेक्टर को कुछ इस तरह से यहाँ से फटाफट से हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से इसको हमने कट कर लिया, कट करने के बाद यहाँ से राइट पर क्लिक कर देंगे, और फिर यहाँ से इसको अपने जो कैरेक्टर उसके ऊपर इस तरह से अप्लाई कर लेंगे, जिससे हमारे जो कैरेक्टर पर रेड इफेक्ट आए तो वो हट जाएगा। कुछ इतना तो हो चुका है। इतना करने के बाद यहाँ से हमारा जो स्क्रीन शॉट है ना उस पर हमको फिर से क्लिक करना है, तो यहाँ से हमारे स्क्रीन शॉट पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से इसके एडजस्टमेंट पर जाएंगे, तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आने के बाद यहाँ से इसके एडजस्टमेंट पर क्लिक करेंगे, और इसके कॉन्ट्रास्ट को फुल कर देंगे, सेचुरेशन को भी फुल कर देंगे, और फिर यहाँ से हम इसके टेम्परेचर पर आएंगे, टेम्परेचर यहाँ से -100 कर लेंगे, हाईलाइट्स को फुल कर देंगे, और यहाँ से राइट पर क्लिक कर देंगे। और इतना करने के बाद ऐसा नीचे वाले पर भी क्लिक करेंगे, जो हमने कैरेक्टर कट किया था उसमें भी सेम इसी तरह से कर देंगे, कॉन्ट्रास्ट को फुल कर देंगे, सैचुरेशन को फुल कर देंगे, और इसके टेम्परेचर को -100 और हाईलाइट्स को फुल कर देंगे। दैन इतना करने के बाद यहाँ से कोई और भी इफेक्ट अगर हम यूज़ करना चाहिए मुझे अगर, तो उसको भी ऐड कर लेते हैं। इसके लिए हम लेयर पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से लेयर पर क्लिक करने के बाद मीडिया पर जाने के बाद अपना जो भी इफेक्ट है वो ऐड कर लेंगे। तो ये वाला इमोजी मैं यूज़ कर लेता हूँ, तो इसको ऐड करने के बाद कुछ तरह सेट कर लेंगे। देन इतना करने के बाद फाइनली इसको हम सेव कर लेंगे, तो इसके लिए जो लेफ्ट साइड में सेटिंग पर वाला बटन है उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इस बटन पर क्लिक करने के बाद इसको कैप्चर एंड सेव कर लेंगे। इतना करने के बाद ये हमारा सेव हो चुका है, तो फाइनली हमारा थंबनेल भी रेडी हो चुका है। तो थंबनेल कैसा लगा कॉमेंट में बता देना, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।